अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके साथ मोहम्मद उवैस खान नदवी, फाजिल अदब, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अरबी सीखे में। सबसे पहले इस चैनल का तारुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑनलाइन अरबी सीखें, ये चैनल अरबी ज़ुबान को आसान उर्दू ज़ुबान में सिखाने के लिए बनाया गया है। चूँकि अरबी ज़ुबान बकसरत बोली जाने वाली ज़ुबान है, मज़ीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबियुन वल कुरआन अरबियुन व कलामु अहलिल जन्नत अरबियुन, कि अरबों से मोहब्बत करो तीन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं अरबी हूँ और कुरान करीम अरबी है और जो अहले जन्नत की बोली जाने वाली ज़ुबान है वो अरबी है। और इसलिए भी अरबी सीखने की हमको ज़रूरत है कि चूँकि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है, तो अगर हमारे पास मैसेज आता है तो खाली हम उसको पढ़ लें, उसके पढ़ने ही पर इक्तिफा करें तो ये नाकाफ़ी है। मिसाल के तौर पर आपके किसी अज़ीज़ का आपको मैसेज आए और वो मैसेज इंग्लिश ज़ुबान में हो और आपको इंग्लिश ना आती हो, तो यकीनन आप उसका किसी से ट्रांसलेशन कराएंगे और आप उस मैसेज को समझेंगे। सेम यही हालत हमारे साथ, हमारी बिल्कुल यही हालत हमारी कुरान के साथ होनी चाहिए कि कुरान करीम जो अरबी ज़ुबान में अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है, तो हम इस मैसेज को पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ इसको समझें। अगर हमको अरबी ज़ुबान नहीं आती है तो हम किसी से ट्रांसलेशन कराएं या हम ख़ुद सीखें, इसलिए हमें अरबी ज़ुबान सीखने की ज़रूरत है। और इस चैनल की इम्तियाज़ी खसूसियत और यूनिक पॉइंट ये है कि हर वीडियो के आखिर में, यानी जिस वीडियो में जो लेसन पढ़ाया जाएगा, जो सबक सिखाया जाएगा, उसके आखिर में उसकी एक्सरसाइज मश्क कराई जाएगी और आखिर में होमवर्क भी दिया जाएगा, जिस होमवर्क को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उसको चेक कर लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस चैनल को विज़िट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।